आलोक भैया पीजीटी फिजिक्स के टीचर्स है, केसरी देवी कन्हैया विद्या मंदिर सोनभद्र यूपी। भैया पहले आईआईटी लखनऊ में जब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे, तब भैया ने यूएचबी का फर्स्ट वर्कशॉप किया था दिसंबर 2018 में, और भैया फिर प्रपोजल्स को समझने का और जीने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी व्यस्तता के कारण भैया तो फिलहाल वॉलेंटियरिंग में अपनी भागीदारी को नहीं निभा पा रहे, लेकिन भविष्य में जरूर भागीदारी करना चाहते हैं। तो भैया आप आमंत्रित हो, आप शुरू कर सकते हैं। सबको नमस्कार। सारे पैनलिस्ट को, भाग्यश्री दीदी, शर्मिला दीदी, कुमार भैया, यशवंत भैया और स्पेशली प्रशांत भैया, सबको नमस्कार। मेरा नाम आलोक मिश्रा है। मैं रावर्सगंज सोनभद्र, जो वाराणसी के पास सोनभद्र नामक जिले का जिला मुख्यालय है, का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ओबरा सोनभद्र, जहाँ मेरे पिताजी ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्यापक थे, से हुई। तत्पश्चात मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की भौतिक विज्ञान फिजिक्स में। तत्पश्चात डीएवी पब्लिक स्कूल रावर्सगंज से मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की। यह वही समय था जब मेरे पिताजी जो ओबरा से रिटायर होकर के उन्होंने रावर्सगंज में एक मकान बनवाया, जो मेरे गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसी समय मेरे गांव के प्रति, मेरे माता पिता की तरफ, मेरे परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एहसास हुआ। जीवन में वृत्ति कैसे कमाई जाए पर मेरा ध्यान गया। मैं कौन हूँ का एहसास पहले से ज़्यादा प्रगाढ़ हुआ। मैं कौन हूँ का पहला एहसास मुझे ओबरा से बीएचयू जाते समय हुआ था। अब और उसके पहले मुझे ऐसा लगता था कि जीवन भर मैं ऐसे ही स्कूल जाता रहूँगा और पिताजी हम लोग का लालन पालन करते रहेंगे। तो पहला ब्रेकथ्रू वहाँ मिला था जब मुझे लगा मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है। और पापा रिटायरमेंट के बाद ये दूसरी बार मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली जीवन में करना कैसे है, क्योंकि उसके पहले तो केवल यूनिडायरेक्शनल चीजें चल रही थी। 3 साल डीएवी रावर्सगंज में नौकरी के बाद मैंने बीएचयू पुनः रिसर्च करने के लिए मैं बनारस पहुंचा। इस समय तक मेरे जीवन में इस बात के प्रमाण आ चुके थे कि मेरे लोगों के जीवन में कुछ गड़बड़ है, मेरे या लोगों के जीवन में कुछ गड़बड़ है, कुछ है जो जानना जरूरी है, अन्यथा जीवन यूं ही रिएक्शंस में चला जाएगा। खैर, मेरा रिसर्च पूरा हुआ। इसी क्रम में 2018 जुलाई अगस्त में मेरा सिलेक्शन आईआईटी लखनऊ में अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ। और 10 दिसंबर को मेरे कलीग मुझे सूचना देते हैं कि एचयूवी कोई एक नया कोर्स है और उसके लेवल 1 वर्कशॉप आईआईटी में आज से शुरू होगी, और एक नया कोर्स है और फिजिक्स के अलावा भी यहाँ भी कुछ पढ़ाने के लिए या अपने आप को सेटल करने के लिए एक अच्छा अवसर है। खैर, मैं वहाँ इनाग्रेशन सेरेमनी में पहुँचा और वहाँ पहली बार भानु भैया को मैंने बड़ी स्ट्रेंज वे में देखा कि अगर ये लोग फैकल्टीज हैं तो इतनी सादगी से बैठे हुए हैं, और गद्दी पर पहली बार मुझे बैठने का मौका मिला तो मुझे वहाँ कुछ अलग सा लगा। और वहाँ इनाग्रेशन सेरेमनी में मुझे एहसास हो गया यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू इज गोइंग टू बी अल्टीमेट थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं जिस चीज़ को कहीं ना कहीं खोज रहा था कि यार कोई एक राइट चीज़ मिसिंग है, कोई एक ऐसी समझ मिसिंग है जिससे कि जीवन सरल बन सके, सहज बन सके, वो चीज़ मुझे वहाँ पे पहली बार दिखाई पड़ी। उसी बीच चूंकि ये जो वर्कशॉप था ये 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक था, लेकिन बीच में 15 दिसंबर को मेरा यूपीएचएससी प्रयागराज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए इंटरव्यू था। मैं वहाँ गया भी और भानु भैया ने मुझे बताया कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा क्योंकि गैप इज नॉट अलाउड। इसके बावजूद मैंने वहाँ से आने के बाद 16-17 को मैंने वर्कशॉप जारी रखा और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी इंजॉय भी मैंने किया। उसके बाद फिर यूएचबी की मैंने कुछ क्लासेस भी वहाँ पे मैंने ली और यूएचबी की जो बुक्स है गौर साहब की वो मैंने ध्यान से पढ़ी और उन चीज़ों को आत्मसात करने की कोशिश की। सारे नोट्स मेरे 10 से 17 दिसंबर यानी फर्स्ट एफडीपी का मेरे पास उस समय था, उसको मैं बीच में पढ़ा करता था। और फिर बीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 21 से 28 जून 2019 को मुझे फिर दूसरा मौका मिला और पहला सर्टिफिकेट मैंने वहाँ से अर्जित किया जो कि 8 डेज एफडीपी थी। और वहाँ मेरी मुलाकात मोती भैया और कुमार भैया से हुई और
उसके बाद यहाँ से काफ़ी एनरिचमेंट हुआ और मैंने उसमें काफ़ी प्रगति करने की कोशिश भी की। दुर्भाग्यवश मैं आईटी में 1 साल के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया और लखनऊ में वहीं 2 साल मैंने इंडस्ट्री में एज ए क्वालिटी मैनेजर के पद पर रहा। और उसी बीच मेरे पिताजी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही थी घर पे और मुझे काफ़ी अप डाउन करना पड़ता था। तो पिताजी के स्वास्थ्य खराब होने और मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु हुई 13 सितंबर 2021 को, मैं अक्टूबर 21 को मैं पुनः रावटसन आ गया। और केवल इस एहसास से मैं आ गया कि नहीं, मुझे अपना जो भी अपनी वृत्ति कमानी है, जो पैसे कमाने हैं, वो मैं रावटसन से रह करके करूँगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा मकान था पिताजी का दिया हुआ और मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर था और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं अपने काम लायक पैसे में कमा सकता था। तो जो पैसे की एक जो बहुत ज़्यादा बड़ी इच्छा होती है, आप जब मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो वो चीज़ें मैं समझ पाया कि नहीं, ये यहाँ सुख तो नहीं मिलेगा। तो मैं वापस चलाया रावर्सगंज और यहाँ के एक लोकल पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ाया, जिसमें मेरी तनख्वाह भी काफ़ी कम थी क्योंकि लेकिन उसके बाद फिर मार्च 23 इसी साल मेरा KDKVM रेणुकूट यानी के श्री देवी पूर्णिया विद्या मंदिर, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर मेरी नियुक्ति हुई और वहाँ मैं एज ए प्रवक्ता भर्ती पढ़ा रहा। दिसंबर 2018 से UHV से जुड़ाव रहा, पर यहाँ वापस आने के बाद थोड़ी शिथिलता रही क्योंकि एक तो कोई उस पर बात करने वाले लोग यहाँ पे कम थे और कुछ शिथिलता आई। पर करीब 5 महीने पहले इसी जून में एक वॉलेंटियर दीदी के फॉलो अप के बाद, मुझे नाम उनका याद नहीं है, मैं पुनः एक्टिव हो गया। मैंने जून में ही करीब 90 वीडियोज, करीब 15 दिन में ही बेस 6 का रिकॉर्डेड वीडियो मैंने देख डाला और वहाँ से फिर से सारी चीज़ें अप टू द मार्क, मतलब जहाँ मैं था वहाँ पे मैं आ पाया। और ये करने से मेरे चचेरे बड़े भैया के साथ कुछ पारिवारिक जमीन जायदाद संबंधित विवाद में मुझे UHV से काफ़ी मदद मिली और मैं अपने भाव विचार को सही रख पाया, जिसका मुझे सीधा सीधा भी डायरेक्ट फायदा मिला हुआ है और जिस बात का मुझे काफ़ी संतोष है। और बड़ी परेशानी जो आ सकती थी, तो इसके बाद मैं अपना संक्षिप्त परिचय के बाद एक्साइज पर मेरी क्या समझ बनी है मैं उस पर बात करना चाहूँगा। तो एक्साइज 1, जिसमें मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने भावों को देख पाने में, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से मैं अपने भाव देख पाता था कहीं ना कहीं थोड़ी बात थी। तो मैं अभी बीच बीच में काम के दौरान अपने भाव विचार को देख पाता हूँ, ये देख पाता हूँ कि मेरे विचार सहज और सुखद हैं कि नहीं। मैं चैतन्य का यह नियम वेरीफाई कर पाया हूँ कि अपने भाव विचार के लिए 100% मैं ही जिम्मेदार, और भाव विचार यदि समझ के आधार पर आ रहे हैं तो सिर्फ सुख की अवस्था में रहेगा, अन्यथा नहीं। समझ में सही भाव, व्यवस्था का बोध एवं सह अस्तित्व का अनुभव के आधार पर आने वाले भाव विचार एवं आशा ही निरंतर सुख दे सकते हैं, इसका एहसास अभी होता है मुझे। प्रतिक्षण भाव विचार में स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ एवं उत्साहजनक परिणाम मुझे मिल रहा है। परंतु मन में दृढ़ता एवं आदतों की आवर्तनशीलता के बल से इस समय मैं दो चार भी हो रहा हूँ। बातें कई बार समझ में आती हैं लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो ऑटोमेटिक हो गया। अगर मुझे समोसा खाने का मन हुआ, समोसा और छोला, तो मैं जान रहा हूँ कि शरीर के प्रति जिम्मेदारी मैं ठीक नहीं निभाऊंगा अगर मैं उसको भी खाऊंगा, क्योंकि इसकी कोई ऐसी बहुत ज़रूरत नहीं। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मन की थोड़ी कमजोरी काम करती है और मुझे ये आवर्तनशीलता भी लगती है, बल होता है आदतों का, तो इस समय मैं वो इन चीज़ों को टैकल कर रहा हूँ। और समझ में सही भाव और व्यवस्था का बोध एवं सह अस्तित्व का अनुभव, ये जो UHV 3 का मैंने जो ये पूरा असेसमेंट जो मैंने किए, उसमें ये लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। क्योंकि तो जो समझ में सही भाव आता है, ये आपसी रिलेशनशिप के लिए बहुत काम, मतलब वहाँ पर वो ये बात को समझना होगा। और व्यवस्था में बोध में इकाइयों की व्यवस्था को, यानी वो किस तरीके से उसमें, जैसे ये बात हम लोगों ने देखी थी कि वहाँ पे इंटेंशंस में समस्या नहीं है, समस्या उनकी कंपेटिबिलिटी में है उस स्तर पे, और सह अस्तित्व का अनुभव जो कि हमको एक बिल्कुल पैरामाउंट स्टेट से सह अस्तित्व का अनुभव जिस नीचे की क्रियाओं को शुरू कराएगा। तो इस चीज़ को जो कि हम लोग स्टेप 6 में देखते हैं, 6B में देखते हैं, तो वहाँ पे अभी समझ और विकसित करने का सकता है, ये एहसास होता है। फिर एक्सरसाइज 2 में, यानी सेल्फ को, सेल्फ से
इसको जड़ को देखने का जो एक प्रयास है, उसमें ये मुझे एहसास होता है कि जो मैं हूँ और जो शरीर है, ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। ये मुझे काफ़ी हद तक एहसास होता है, ये एहसास थोड़ा बढ़ भी रहा है पहले से, और अच्छे परिणाम मुझे मिल रहे हैं उससे। और इन्फॉर्मेशन के आदान प्रदान एवं उसमें सेल्फ की प्रधानता को देख पाता हूँ कि जो बॉडी मेरे बीच में इन्फॉर्मेशन ही है, कोई भौतिक रासायनिक चीज़ का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बस तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। और इस बल पे हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैं संवेदना नहीं हूँ एवं उससे दूरी का एहसास होता है मुझे, इसका प्रमाण मिलता है कि ये दो चीज़ें हैं ये। क्योंकि जब मैं अपने अपने लोगों की मृत्यु देखता हूँ, तो हाँ ये लगता है कि बॉडी को आप अलग ढंग से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इनका सेल्फ कहीं नहीं गया है। सेल्फ वास्तविकता का एहसास होता है और बॉडी अलग है उसकी का। और बॉडी और सेल्फ के बीच में जो संवेदनाओं के आधार पर आदान प्रदान हो रहा है या कनेक्टिविटी मिली है, तो इस आधार पे मैं संवेदना नहीं है इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। और संवेदना को पढ़ने एवं रिएक्शन या रिस्पांस करने के स्टेप्स को मैं काफ़ी हद तक, अब यहाँ पे मेरे पास कोई कंपेरिजन का ये नहीं है कि कितना देख पाता हूँ, लेकिन बिल्कुल दिखाई पड़ता है स्पष्ट कि इस तरीके से आप इनटेक करते हो और इस तरीके से आप उसमें रिएक्शन या रिस्पॉन्स करते हो। सही समझ के आधार पर अगर चीज़ें हो रही हैं, तो आप जो रिस्पॉन्स है वो हमारे सहज वृत्ति के हिसाब से होगा और वो सुखद है। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स ये अलग दिखाई पड़ता है कि अगर इस केस में मैं अगर रिएक्शन करता तो क्या करता, और जो मैं रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो क्या होने जा रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग है बीच में, वहाँ पे मैं ठहर पाता हूँ, वहाँ का ठहराव बढ़ा है। और शून्य के साथ बॉडी को एग्जिस्ट कर रही है, शून्य के साथ मैं को एग्जिस्ट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि विचार के स्तर तक ये ज़्यादा आ पाया है, और इसकी अभी समझ की या इस चीज़ के एहसास करने की अभी शुरुआत शुरुआती स्थिति में मैं हूँ। जैसा कि शुरू में ही भैया ने बात ये की थी, पहली जो स्लाइड थी कि सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो सुख अभी तो लगता है कि नहीं स्वभाव ही है। और इसके कुछ मुझे अपने जीवन में अनुभव भी हुए, और वहाँ मैं देख पाया कि अगर इसको सुख को मैं प्रभाव के तौर पर लिया होता, तो जो मैं प्रभावित होता उससे मैं दुखी ही होता। तो वहाँ पर थोड़ा सा मन को कड़ा करके, अपनी इच्छा दबाते हुए, रिएक्शन को दबाते हुए, इस अर्थ में बोलूँ, और मेरे प्रोसेसिंग की और समझ व्यवस्था और शास्त्र की बेसिस पे ही एज ए स्टूडेंट कि चलो इस तरीके से रिएक्शन करके देखते हैं या इस तरीके से रिस्पॉन्स करके देखते हैं, तो दिखा कि नहीं अपना कंट्रोल बढ़ा है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ा है। और चीज़ें बाहर की जो चीज़ें हैं वहाँ वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपको अंदर अपने आना चाहिए, और अंदर चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और आपका सुख और दुख वही निर्धारित होता है। कि इस चीज़ में कठिन लेसन था, लेकिन ये लेसन मुझे मिला। और अभी फिर भी क्योंकि पैसे कमाने होते हैं, घर का दबाव होता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सारी चीज़ों के लिए, तो हम बोलेंगे कि मेरा 70% कार्यक्रम अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ कहीं ना कहीं है। अगर कहीं जहाँ जॉब में भी हूँ, वहाँ पे अगर ऐसा लगता है कि नहीं इनको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, या वो जो मैं सही उत्तर वहाँ देना चाहता हूँ, उन चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अनुकूल प्रभाव जुटाने के अर्थ में ही 70% मेरा कार्यक्रम चल रहा है, और 30% कार्यक्रम चैतन्य के अर्थ में। और मैं कम से कम 2 घंटे प्रतिदिन स्वयं में समझ के लिए लगा रहा हूँ इसमें, और स्वयं में वैभव के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ साथ परस्परता में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के अर्थ में मैंने प्लान किया है कि कम से कम 1.5-2 घंटे में निकालूँ। और इससे मेरी ये बात मुझे समझ में आती है कि इससे मेरी गति भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली उसका सुख मुझे ही मिलेगा। तो इन सबों के साथ मैं भैया मैंने अपनी आलोक भैया, आपका रहना कहाँ हो रहा है? भैया इसमें तो हम रॉबर्ट्सगंज में रह रहे हैं, कानपुर? रॉबर्ट्सगंज भैया, नहीं रॉबर्ट्सगंज, अच्छा, रॉबर्ट्सगंज कानपुर में भी है। कहाँ पे अच्छा है ये? सर, अच्छा
ये भैया बनारस से करीब 100 किलोमीटर साउथ में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, वहीं का हेडक्वार्टर। सोनभद्र में है जी, बढ़िया। और आप भी स्कूल एजुकेशन में हैं? हाँ, अभी हम स्कूल एजुकेशन में हैं, रेणुकूट पर डे मेरा इधर अप डाउन हो रहा है करीब 70 किलोमीटर के आसपास, तो रावर्सवेल में ही रहते हैं परिवार के साथ। जी। और आपने वर्कशॉप कहाँ जाके किया था भानु भैया का? जी, आईटी लखनऊ में, उसमें हम थे अच्छा कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी के तौर पे, तो वहाँ पे मैंने वर्कशॉप किया था दिसंबर 2018 में। अच्छा अच्छा आप आईटी लखनऊ में थे, बड़ी जी, और उसके बाद बड़ी। 2019 जी 2019 जून में बीएन कॉलेज में आपसे भैया मुलाकात हुई थी। हाँ, वही नाम तो मुझे परिचित लगा, बट मैं रिलेट करता कि आप तो कॉलेज में थे, स्कूल में कैसे? ठीक है, हाँ, नहीं वो चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी। सीटी में आपसे मुलाकात हुई थी। जी, पेंसिल से जी मुलाकात। बढ़िया भैया। थोड़ा सा तो मैं कहूँगा कि अभी आप जो मेन स्ट्रीम टेक्निकल एजुकेशन है उससे थोड़ा सा भी बाहर हैं आप, है ना, क्योंकि यूपी में अभी स्कूल एजुकेशन को लेकर कोई काम नहीं चल रहा है। परंतु फिर भी जितना भी आप अवसर दे पाएं, आपको अगर स्कूल से छुट्टी लेकर कभी जाना हो, 3 दिनों का वर्कशॉप होता हो, तो आपको अनुमति मिल जाती है। ठीक हाँ, मिल जाएगी, मिल है, सकती भी। अभी यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं रॉबर्ट्सगंज में, यहाँ पे जी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र है, यहाँ पे चुरक, हाँ, तो वहाँ भी मैंने 1 साल पढ़ाया है आईटी के पहले। हाँ, अच्छा, शुरुआत यहाँ पे जब इंजीनियरिंग कॉलेज की हुई थी तो पहले साल की फिजिक्स मैंने ही स्टार्ट की थी, तो वहाँ से बल्कि प्रपोजल मेरे पास आया था कि जैसे इंडक्शन प्रोग्राम होता है ऐसा कुछ है, तो आप मतलब तो यहाँ पे आए। जब तो इसी वो यहाँ सोनभद्र मैं, में अगर 3 डेज का प्लान करें, हम लोग आरसी अम्बेडकर नगर में तो करके आए हैं, है ना, जी, तो आरईसी भी आरसी। सोनभद्र चुरक में पड़ता है ये, जी आरईसी सोनभद्र में ये अगर आप करें, अगर हो अगर, तो इसमें हम एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, और वो मेरे यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है केवल। अच्छा, नहीं तो कभी डायरेक्टर से मिले हैं वहाँ के? डायरेक्टर भी मीनिंग मतलब वेल मीनिंग व्यक्ति हैं, और जी, आप प्लान करिए थोड़ा सा, हम लोग 3 दिनों का भी फेस टू फेस कभी कर सकते हैं, तीन अच्छा, दिनों का हाँ एक ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वहाँ, का। दूसरा, आरईसी को ठीक से अपने को कवर करना है। अभी हम लोग यूपी मतलब AKTU के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेज हैं और जो अफिलियेटेड कॉलेजेज हैं उसमें तो वर्कशॉप कर पा रहे हैं, है ना, जी जी परंतु जी आरईसी वो में अभी नहीं डॉक्टर, कर पा रहे। हाँ डॉक्टर हरीश उपाध्याय वहाँ पे हैं आरईसी में, तो वो जी मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो ऐसा बोल रहे थे कि आप चूंकि एचवी के आपके पास अच्छे नॉलेज है, तो वो हमारे बच्चों को अगर आप दे सकें तो दीजिए। तो भैया स्कूल हाँ, तो आप एजुकेशन वहाँ हम, प्लान करिए, निकट भविष्य में ही आप सेल्फ फंडेड 3 डे FDP प्लान करिए, और उससे आपके लिए भी एक जुड़ाव का अच्छा अवसर बना रहेगा। आप कभी वीकडेज पे जाकर, सैटरडे जैसे समय हो गया, वहाँ आप एक वीकली मीटिंग शुरू करा सकते हैं, और चूंकि आपका ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है तो लोगों से बहुत अपरिचित जैसा नहीं रहेगा, जी ना, जी तो आप प्लान करिए आरसी सोनभद्र के लिए, हम लोग वहाँ कर देंगे 3 डेज का सेल्फ फंडेड FDP अगर आप कभी प्लान करें। अच्छा और ठीक है, तो वहाँ यदि हम, कोई साथी को जो वर्कशॉप किए हुए हों तो उनसे भी आप बात करें। हाँ नहीं, एक दो लोग टीचर्स तो हैं वहाँ पे, डॉक्टर रवि त्रिपाठी हैं, उन्होंने किया हुआ है FDP, लेकिन जी वही है ना कि मतलब एक जैसे टीम वर्क स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो ये भी सेल यहाँ पे फिर मतलब बढ़ती नहीं, थोड़ा अभी आपको लगना उसका। पड़ेगा, हो जाएगा, मतलब आरईसी में धीरे धीरे हम लोग मन बनाएंगे, क्योंकि सर्कुलर भी है AKTU का और आरईसी के लिए भी वैलिड है, तो वहाँ वेल एजुकेशन सेल बन सकता है, वहाँ रेगुलर वर्कशॉप्स हो सकते हैं, और आरसी में मैंने देखा एक अच्छी संभावना ये भी है कि ज़्यादातर क्षेत्रीय बच्चे ही रहते हैं, है ना, और जिस तरह के बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, अगर उनको बात ठीक से पहुँचे तो उनको जीने से जोड़ कर देखने में बहुत कठिनाई नहीं होती, जी भैया, ऑलरेडी ये तो उनके है। घरों पे उत्पादन हो रहा है, गाँव से जुड़े हुए हैं बच्चे, तो उनके बातें बहुत अपरिचित से या दूर की नहीं लगती, जी ऐसा नहीं भैया, लगता कि बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग करना पड़ेगा लाइफ में अगर इसको जीने जाते हैं, इस तरह तो की भैया क्या संभावना है। डायरेक्टर सर से हम एक बार बात, अपना प्रस्ताव रखें ये 3 डेज फेस टू फेस इसके लिए, जी, एक बार हम कर बात लीजिए, करके देखते हैं। जी ठीक हाँ है, कर लीजिए, और कभी हम लोग अलग से ठीक भी इस पर बात कर लेते हैं। है भैया, ठीक है, धन्यवाद और भैया। मेरा एक कहना है कि अपनी गति को बनाए रखने के लिए आप रेगुलर वर्कशॉप्स करते रहें, ऑनलाइन एज वेल एज फेस टू फेस, और आप देखें कि वहाँ स्कूल में रहते हुए ही आपकी और किस तरह से भागीदारी हो सकती है, जैसे ऑनलाइन जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें PPI कॉलिंग है, उसमें आप भागीदार हो सकते हैं, है ठीक है ना, भैया, ये भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है अपनी गति को बनाए रखने के लिए, जितना फैल के जीते हैं उतना हमको आगे के लिए आशा भी बनती है और स्वयं पे ध्यान भी जाता है। हाँ भैया, बीच में जब मेरी शिथिलता आई थी, कारण ये था कि स्कूल एजुकेशन में आए थे, यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं था,
तो एक जी कॉलिंग के बाद ही मुझे फिर से मैं ट्रिगर हुआ, क्योंकि जैसे कॉलिंग आई मुझे याद आ गया कि हाँ भाई ये तो एकदम से मैं दूर हो गया। ठीक बात है। देखिए आप जैसे अभी 1000 लोग और होंगे जो अभी वर्कशॉप किए हुए हैं, कुछ कुछ अपने आप में सोच रहे हैं, कुछ कॉल अगर जाएंगे तो वो फिर से सजग हो जाएंगे और जुड़ जाएंगे। जी जी भैया, बहुत बढ़िया भैया, तो आलोक जी को और रचना जी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना बधाई। धन्यवाद। जी।